यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो कार्टून पोएम वीडियो फॉर किड्स। अब बच्चों के लिए अलग अलग टाइप्स के कार्टून वीडियोस आ जाएंगे जिन पर मिलियंस में व्यूज है। बात समझ रहे हो ना, किड्स एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ भर भर के व्यूज आता है क्योंकि ना बच्चे उन वीडियोस को बार बार देखते है। तो गाइस आज हम लोग भी पोएम कार्टून वीडियो बनाना सीखेंगे, वो भी एकदम फ्री में। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पोएम लिखने की जरूरत है, ना ही आपको कार्टून एनिमेशन बनाने की जरूरत है, ना ही वॉइस डालने की जरूरत है और ना ही किसी एडिटिंग की जरूरत है। ये सब कुछ होगा आपके मोबाइल फोन से एआई की हेल्प से। और ये पोएम कार्टून वीडियो बनाना मैं 3 स्टेप में सिखाऊंगा, तो आपको ये सारा स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो गाइस नो टाइम पास, सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप। आपको प्ले स्टोर से ChatGPT एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा एंड ChatGPT को ओपन करके सर्च करना होगा राइट्स मी ए पोएम फॉर किड्स इन हिंदी। और ये एआई टूल्स आपके वीडियोस के लिए पोएम लिख देगा, तो आपको ये पोएम कॉपी कर लेना है। लो अभी बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। अभी आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है voicemaker.in। टॉप पर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगा, तो सिंपल उस पे क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, तो हमने जो पोएम कॉपी किया था इस पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ऊपर ये चेंज पे क्लिक कर देना है और ये डिफॉल्ट वॉइस पे सेट कर देना है। फिर ये लैंग्वेज पे क्लिक करके आप जिस भी लैंग्वेज पे वीडियो बनाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। फिलहाल मुझे हिंदी में वीडियो बनाना है, तो मैं यहाँ पे हिंदी सर्च कर लेता हूँ। देन आपको हिंदी वॉइस आर्टिस्ट चूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे 3rd नंबर वाले चूज कर लेता हूँ। याद रहे आपको फीमेल वॉइस आर्टिस्ट ही चूज करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ऐसा पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे वॉइस स्पीड को 4% और वॉइस पीस को 15% तक स्केल कर दो, आपको इतना ही करना है। फिर उसके बाद कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक कर दो और आपकी पूरी पोएम वॉइस में रेडी हो जाएगी। सिंपली आपको ये डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब देखो थर्ड और फाइनल स्टेप, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको फिर से प्ले स्टोर ओपन करना है और ये एडोबी एक्सप्रेस AI वीडियो डिजाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करके कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी जीमेल से साइन इन हो जाना। उसके बाद प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये सेकेंड ऑप्शन क्विक एक्शन पे आ जाना और यहाँ पे 4th ऑप्शन एनिमेट फॉर्म ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने बहुत सारे कार्टून एनिमेशन यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप ऑल पे क्लिक करके कैटेगरी भी चूज कर सकते हो या फिर राइट स्क्रॉल करके देख सकते हो, बहुत सारे कार्टून एनिमेशन मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं इस वाले कार्टून एनिमेशन को चूज कर लेता हूँ क्योंकि ना ये देखने में थोड़ा किड्स की तरह लग रहा है और हमारे पोएम भी तो बच्चे के लिए ही है। इसके बाद बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पसंद का बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये साइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के लिए बनाना चाहते हो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, तो लैंडस्केप सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देता होगा ब्राउज का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और जो पोएम की ऑडियो बना के रखा था उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद ये ऑडियो और कार्टून का लिप्स मैच करने लग जाएगा और कुछ देर बाद आपका प्रॉपर वीडियो रेडी हो जाएगा। सिंपली आपको ये नीचे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आप देखो फाइनल वीडियो। चलो बच्चों सुनो कहानी, एक छोटी सी कविता मेरी यहाँ। खुशी का रंग, उड़ती हवा, खिलौनों का खजाना जवां जवां, बादलों की रानी, बरसाए संग, बूंदों का नाच, हरे भरे रंग, बच्चों की हंसी, खुशबू की बौछार, गुड़ियों का संगम, मिठाई का प्यार। आप ऐसा वीडियो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आता है, तो ये 3 AI टूल्स का यूज करके ऐसा वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे पोस्ट करना शुरू करो। क्योंकि ना किड्स वाला जो कंटेंट होता है ना बहुत ही तेजी से वायरल होता है, तो आपका भी चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ना इस चैनल में ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आते रहेगा।